गुना में विद्युत मंडल की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है और इन पर लगाम लगाना बहुत ही कठिन हो गया है। उपभोक्ता कर्मचारी अधिकारियों से काफी परेशान हो चुके हैं। ये पूरा मामला साइंस सिटी कॉलोनी वार्ड क्रमांक 24 का है, जहां पर गुना के गणेश स्टोर के मालिक का आरोप है कि बिल जमा होने की लास्ट डेट से पहले ही हमारे बिजली कनेक्शन को काट दिया गया। कल मेरे पास टेलीफोन आया था कि 20 तारीख मेरी लास्ट डेट थी। कल उन्होंने टेलीफोन किया कि 19 तारीख को यदि आप आज बिल जमा नहीं करते तो हम आपकी सुबह लाइट जमा कर देंगे। मैंने उनसे बोला कि साहब 20 तारीख मेरी लास्ट डेट है, आप कल कैसे मेरी लाइट को काट जाएंगे। वो पावर हाउस वाले नहीं माने और सुबह आके नहीं लाइट को काट के चले गए। सुबह 7 बजे से लाइट नहीं है हमारे घर में, सुबह 7 बजे से लाइट नहीं है। पूरे बच्चे हम परेशान हो रहा है। यदि मेरे परिवार में कोई अनहोनी होती है इसका जवाबदार पावर हाउस वाले होंगे कि कौन होगा जो बताइए। पुराना कोई बिल बकाया कभी रहा है? नहीं, कोई बकाया नहीं है। अच्छा, अभी मैंने 28,000 रुपए का बिल का नाम से कल जमा करे, मतलब समय से पहले ही लाइट काट गए, लाइट काट के चले गए लास्ट डेट से पहले। लास्ट डेट से पहले, जबकि मैंने अभी लाइट वालों से पूछा था तो उन्होंने कहा ऐसा नियम नहीं है कि जिस नियम के अंतर्गत आपकी लाइट कट गई, लाइट आपकी कल कटने थी। काट कर कौन गया कुछ मालूम है? ये तो लाइन में नहीं आकर काट के गए। रजनीश भैया का कहना था, कोई बात हुई थी अधिकारी से उनकी, तो उन्होंने नाम भी बताया, कोई यादव करके काट गया शायद, ऐसा जितेंद्र यादव करके उनका फोन आया हुआ था। उन्होंने कहा था कि आपका फोन लाइट काट दी जाएगी, आपने बिल जमा नहीं कराया। तो मैंने तो कल ही बिल जमा करा दिया, आज उन्होंने लाइट काट दी। कहीं ना क्या है कि इधर की जो जितेंद्र यादव जी ने वार्निंग दी थी आपको लाइट काटने की? जी, एक्चुअली क्या है कि आजकल जो कमीशन पे बड़ा मामला बिगड़ गया है, उनको कमीशन मिलता है यदि उनको पैसे जमा नहीं करो तो, और पैसे जमा करते हैं तो उनका कमीशन बनता है। इसलिए क्या नाम से वो चाहते हैं कि लाइट बिल हम ही जमा करें, पावर हाउस जाकर जमा नहीं किया जाए। हमने पावर हाउस में जाकर जमा किया है। कर्मचारियों की मनमानी चल रही है, कर्मचारियों की मनमानी चल रही है। अब मनमानी कर रहा है, हमारे बच्चे तो आज सुबह से परेशान हो रहा है और रात में यदि लाइट नहीं आई तो कोई अनहोनी हो गई, जिसकी जवाबदारी कौन के ऊपर होगी? आपने अभी अधिकारी भी आए थे, आपने कोई शिकायत की उन्होंने? अधिकारी से मैंने शिकायत की थी, उन्होंने कहा साहब वहाँ पास बिल दिखाइएगा आप जब लाइट जमा जोड़ेंगे हम। बाबूजी राम राम। तो आपने बताया होगा ना कि ये बिल देख लीजिए आप, इसमें कहाँ मतलब लास्ट डेट से पहले ही हमने पैसा जमा किया है। लास्ट डेट से पहले उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो गलती करिए किसी ने, मतलब उन्होंने गलती एक्सेप्ट की अपनी, एक्सेप्ट करिए कि ये गलती किसी ने किसने करी है, कैसे लाइट कटी है, इसकी जवाबदारी तो हमको नहीं है, लेकिन गलती की है कि समय से पहले आपकी लाइट काट कर चले जाए जी। उन्होंने एक्सेप्ट किया। शुभ नाम क्या आपका बाबूजी? मेरा नाम लक्ष्मण प्रजापति है। कौन सी कॉलोनी है? साइंस सिटी कॉलोनी में निवास करता हूँ। हाँ, बच्चों के प्री बोर्ड चल रहे हैं इनके, आज सुबह से लाइट आई नहीं है, सुबह 7 बजे से गई है, अभी 8-9 बजे रही है, अभी तक लाइट के पता नहीं है। आपके एग्जाम चल रहे हैं आपके? हाँ, प्री बोर्ड चल रहे हैं। हाँ, तो अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही, कल ही मेरा पेपर है और पढ़ाई भी नहीं हो पाई। कौन से पढ़ रही? तो लाइट अभी अभी जस्ट अभी अभी लोग मतलब सुबह से कटी हुई है लाइट। हाँ, सुबह 7 बजे से। कितने घंटे हो गए लगभग? 12 घंटे से। 12 घंटे से लाइट नहीं है। ठीक है।